नमस्कार। वेबवार्ता में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी, आप सबका स्वागत है। जयदीप जी, एक तरफ 23 अगस्त को NSA स्तर की बातचीत हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित कश्मीरी अलगाववादियों को समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में बातचीत का क्या औचित्य है? देखिए, ये एक पाकिस्तान को लेकर भारत की जो नीति है उसमें हमेशा से एक बहुत बड़ा विरोधाभास रहा है कि हम इसका हल बातचीत के जरिए निकालें या फिर हम अपने कुछ शर्तें रखें और जब तक वो शर्तें पूरी नहीं होती, जैसे सबसे पहली शर्त यह है कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन ना करे, गोलीबारी ना करे, हिंदुस्तान में अलगाववादी आतंकवादी ना भेजे, हिंदुस्तान में अलगाववादियों को समर्थन ना दे, अपनी सीमा के पार जो हम हिंदुस्तानी की सीमा के उस तरफ पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में जो आतंकवादी कैंप लगे हैं उनकी समाप्ति करे। अब ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान ने कभी भी अच्छा रुख नहीं अपनाया। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पाकिस्तान का दोगलापन है। एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अपनी नीतियों को तय नहीं कर पाया। पाकिस्तान दरअसल ये तय नहीं कर पाया कि वो विकास की राह पर चले या केवल भारत विरोध को अपना एकमात्र जन्मसिद्ध अधिकार मानकर चले। दिक्कत यह है कि आप देखिए कि दोनों ही राष्ट्र दरअसल एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासद विभाजन है जिसको लेकर अब इतिहास में इतनी बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये नासूर बनकर अभी भी भारत को छल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे तत्व हैं जो चाहकर भी पाकिस्तान को और सरकार को स्थायित्व नहीं देना चाहते। पाकिस्तान में सरकार नाम की चीज दरअसल केवल दिखावे के लिए है। वहां का पूरा जो संचालन है वो सेना और आतंक परस्त जो लोग हैं, जो अलगाववाद को, दहशत को बढ़ावा देते हैं, उनके हाथ में है। तो कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्राध्यक्ष चाहता भी है कि बेहतर नतीजे सामने आए, भारत और पाकिस्तान के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो, तो ये जो तत्व हैं ये ऐसा होने नहीं देते। तो आपने एक अहम सवाल पूछा, मुझे लगता है कि दोनों बातें चलनी चाहिए। जो NSA स्तर की बातचीत है वो अहम है, वो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए युद्ध का कोई अंत नहीं है। ये बात सही है कि पाकिस्तान चाहे जब गोलीबारी कर रहा है, 15 अगस्त के दिन जो हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, हम आजाद हुए उसी के एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग किया गया और उसके बाद हिंदुस्तान ने अपनी आजादी को अंगीकार किया, उस दिन जानबूझ के गोलीबारी करने का क्या औचित्य है? आप देखिए वो 3 महीने के हामिद जिसके मरने की खबर आई है, 3 महीने का बच्चा जो अपनी माँ का दूध पी रहा था, उसको गोली लगी सीमा पार से आकर पाकिस्तान की तरफ से और वो मारा गया। दरअसल इस तरीके के जो अभिशाप भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी के सामने आ रहे हैं वो हमें बताते हैं कि पाकिस्तान को अब अपने रवैये को किस तरीके से बदलना चाहिए। मैं पाकिस्तान के जो सरपरस्त हैं, पाकिस्तान के जो लोग इस तरह की गोलीबारी को अंजाम दे रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उस हामिद की क्या गलती थी? उसको जो गोली आकर लगी, उस गोली को आपने हिंदुस्तान की सीमा के इस पार क्यों भेजा? और जब हम बातचीत करके मसलों का हल करने के लिए तैयार हैं तो आप तरह ये इस तरह का दहशतगर्दी का कदम क्यों उठा रहे हैं? यदि भी आतंकवाद को समर्थन करने वाला हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर उगलता है और वही हाफिज सईद लाहौर की सड़कों पर खुलेआम घूमता है, उस पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता, या फिर हाफिज सईद का मामला हो, जकी उमान लखवी का मामला हो, हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह के भारत विरोधी, भारत का विरोध करने वाले लोगों को लगातार खुलेआम समर्थन दिया है। चाहे वो कसाब का मामला हो जिसको हमने पकड़ा था, तुकाराम उमले जो शहीद हुए, उन्होंने इतनी मेहनत साहस के साथ उनको पकड़ा था, तमाम सबूत दिए, आतंकवादी कसाब को हमने पकड़ा और उसको फांसी की सजा भी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने उसके पाकिस्तानी होने से इनकार कर दिया। इसी तरह भी नावेद को हमने पकड़ा है जम्मू कश्मीर में, नावेद के पाकिस्तानी होने के तमाम सबूत हमारे पास हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस आतंकवादी हरकत में अपने हाथ होने से इनकार कर रहा है, तो उसे कितने और कैसे सबूत चाहिए? देखिए दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढा और उसको घर में घुसकर मार दिया, उसके मरने के बाद उसको कहां दफन किया गया इसके कोई सबूत तक अमेरिका ने पेश नहीं किए। दूसरी तरफ हम जब याकूब मेमन को फांसी देते हैं तो उसकी फांसी के बाद उसका जो शव है वो उसके परिवार वालों को सौंप देते हैं। इस तरह की नीतियां अपनाने के बावजूद दरअसल भारत को कमजोर राष्ट्र अगर समझा जा रहा है और पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें अपने नीतियों का फिर से मूल्यांकन करना होगा। हमें साबित करना होगा कि हमारे राष्ट्र में होने वाले आतंकवाद को हम किसी कीमत पर सहन करने के लिए तैयार नहीं है। ये जरूर हुआ है जो कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने जितनी गोलीबारी की है उसका हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भी मुझे लगता है इसका अंत कहां है। वो गोली चलाएंगे, हम दो गोली और चलाएंगे, वो तोप के गोले चलाएंगे, हम भी मोर्टार चलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रवैये में किस तरीके से ये बदलाव आए, वो ये स्वीकार कर ले कि जो इतिहास था उसने जो विभाजन कर दिया, वो विभाजन को हम स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है और वो बना रहेगा, इस सच्चाई को वो स्वीकार कर ले तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी एक राष्ट्र के रूप में बेहतर तरीके से तरक्की कर पाएगा और हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यदि अगर पाकिस्तान जो है कश्मीर की स्वतंत्रता की बात करता है
तो हम क्यों नहीं सिंध और बलूचिस्तान की बात करते? की जाती है, सिंध और बलूचिस्तान की बात भी उठती है, और इसके अलावा इससे बड़ा मुद्दा जो है वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका मुद्दा है, क्योंकि दरअसल तो ये जो कबाइलियों का हमला हुआ और उसके बाद से उस पर आधिपत्य जमाया, तो कब्जा तो पाकिस्तान ने कर रखा है कश्मीर के उस हिस्से पर जो कि दरअसल हिंदुस्तान की जमीन का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसने तो हिंदुस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया था, रियासत का जो हिस्सा था उस पर जो वहां से आक्रमणकारी आए उन्होंने उस हिस्से को अपने कब्जे में कर रखा है और उसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कह रहे हैं, लेकिन वो कश्मीर दरअसल हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो लड़ना हिंदुस्तान को चाहिए था कि जो हमारे हिस्से का कश्मीर था वो आपने रख लिया, लेकिन हो उल्टा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये कश्मीर भी हमें दे दो। मुझे लगता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उस आतंक और दहशत की राजनीति को बढ़ावा देना है जिसके जरिए उनको अमेरिका और अन्य राष्ट्रों से किसी भी तरह की मदद मिलती रहे। उनके भीतर जो दहशतगर्द पल रहे, आप देखिए वहां खुद भी तो दहशतगर्दी कम नहीं है, स्कूल में घुसकर लोगों को मारा गया और निरीह बच्चों को आपने कत्ल किया। तो इस तरह की सीख देने वाला, इस तरह के संदेश देने वाला जो जुनून है, जो पागलपन है, उस पागलपन से किस तरीके से पाकिस्तान खुद भी लड़े और दुनिया को भी उसके बाहर निकलने का रास्ता दिखाए, ये पाकिस्तान को सोचना होगा, हिंदुस्तान को नहीं। हिंदुस्तान ने बातचीत के जरिए, गोलियों का जवाब गोलियों से देने के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध के जरिए जो भी संभव कोशिशें थी वो सारी कर ली हैं। अब दरअसल सारी गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में और पाकिस्तान को इसका हल निकालना होगा। क्या आपको लगता है कि भारत की पाकिस्तान को लेकर जो नीति है वो सही दिशा में है? पाकिस्तान को लेकर नीति क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। कभी हम बातचीत बंद कर देते हैं, कभी क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं, कभी हम कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, कभी कहते हैं कि एनएसएस तरक्की रखेंगे, कभी हम उनके उच्चायुक्त को बुलाकर डांट देते हैं। मुझे लगता है कि कोई सी भी सरकार, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे वर्तमान की एनडीए सरकार, जो दरअसल बहुत मजबूत नजर आ रही थी शुरुआती दिनों में, कि इस तरह की तमाम चुनौतियों का सामना वो बहुत मजबूती से करेगी। कुछ मुद्दे हैं जो उत्तर पूर्व के राज्यों की समस्या है उसको लेकर हल करने की कोशिश की गई है, म्यांमार में जो जाके के कुछ हमला किया उससे थोड़ा संदेश ठीक गया, मुंहतोड़ हम जवाब दे रहे हैं ये भी बेहतर है, लेकिन इसका कोई ऐसा हल जिससे कि, अब देखिए जो शपथ ग्रहण समारोह था सब सार्क देशों को बुलाया, उसमें मियां नवाज शरीफ को भी बुलाया, और उसके बाद जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो कहा जाता है आजकल नरेंद्र मोदी जी और नवाज शरीफ के बीच में हुई, उससे माना यह गया था कि शायद दोनों राष्ट्रों के संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा और इस तरह की कड़वाहट खत्म होगी, लेकिन ये हमने तब भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वाघा पर बस चली थी, इन्हीं नवाज शरीफ के दौर में ऐसा हुआ था और उसके बाद ही करगिल हो गया था। तो पाकिस्तान की किसी भी बात का भरोसा हम नहीं कर पाते, इसलिए पाकिस्तान को लेकर हम कोई पुख्ता नीति भी नहीं बना पाते। तो इसमें नीति जो तय कर रहे हैं शायद उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो भी नीति बनाओ पाकिस्तान ठीक उसके उलट ही चलता है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत पाकिस्तान बातचीत की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।